तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल पे सिलेक्शन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने आपको आर्किटेक्चर ऑफ द एक्सेल कराया था, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन मेथड पे। सिलेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन मेथड मतलब कि आप डेटा को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डेटा किस तरीके से सिलेक्ट होती है, उस पर डिपेंड करता है आपकी स्पीड, आपकी रिपोर्ट और बाकी चीजों पर। तो डेटा सिलेक्ट करना हम आपको दिखाएंगे। डेटा सिलेक्ट होगा तभी हम उसको कॉपी कर पाएंगे, तभी उसको हम पेस्ट कर पाएंगे, तभी उसको हम फिबर बहुत सारी चीज लगा पाएंगे। सो सिलेक्शन इज द इम्पोर्टेंट। तो आपके सामने डेटा है, इसको आप कैसे सिलेक्ट करोगे? फिर आप माउस जानते हैं, तो माउस से सिंपल आप क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा डेटा है, बड़ा डेटा होगा तो नीचे इस तरह से ले जाना पड़ेगा, काफी दिक्कत होगा। अगर माउस से सिलेक्ट करते हैं तो मेरी एक सलाह ले सकते हैं। कैसी सलाह? कि आप पहले फर्स्ट वाले पोजीशन पे क्लिक करें, स्क्रॉल करके लास्ट वाले पोजीशन पे आए और शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करें, आपका पूरा डेटा सिंपली सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्लिक करके होल्ड रखते हुए, क्लिक रखते हुए नीचे ड्रैग करने की जरूरत नहीं। ओके, क्लिक कीजिए और नीचे शिफ्ट के साथ क्लियर है? हाँ जी। तो इसमें आपकी बहुत बेनिफिट होती है। दूसरी चीज, अगर आप कीबोर्ड सिलेक्ट करते हैं तो इसके साथ एरो की यूज करते होंगे, एरो। लेकिन इसके भी कुछ ये है, मतलब कि शॉर्टकट है। जैसे कि पहला कंट्रोल ए। कंट्रोल ए क्या करता है? सिलेक्ट ऑल करता है। सबसे पहले जानिए कंट्रोल ए किस फीचर को ट्रिगर करता है। होम मेनू बार में फाइंड एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल और यहां होता है करेंट रीजन। करेंट रीजन को ट्रिगर करता है कंट्रोल ए। लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम है कि आपने दो बार अगर कंट्रोल ए किया तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। मतलब दो बार कंट्रोल ए करने पे ये जो वन और ए के बीच में ट्रायंगल है उस पर क्लिक कर देता है। ओके? और दूसरा कॉलम है कि अगर आपके डेटा में पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो क्या होगा कि आपका सिर्फ ऊपर का डेटा सिलेक्ट होगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला आपको पूरा का पूरा रो। अगर बीच में कोई एक जगह के सेल में वैल्यू है तो कंटिन्यूअस वो पूरा सिलेक्ट कर लेगा। ओके, ठीक है, पूरा से रोक लाए। तो इसमें भी एक और प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए कि इसी तरह से कुछ फालतू के डेटा इस तरह से पड़े हुए हैं, देख रहे हैं आपको सब, तो कंट्रोल ए करेंगे तो उनको भी सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए सोल्यूशन है कि आप पहले उस सोल्यूशन जाने से पहले आप कर्सर मूव करने के लिए सीखिए। कर्सर को कैसे मूव करेंगे आप? तो आप एरो की से मूव करते हैं, लेकिन मुझे सबसे लास्ट में जाना है, तो कंट्रोल के साथ लास्ट वाले एरो की पे क्लिक कर दीजिए। नहीं, मैंने क्या बोला? लास्ट के साथ लास्ट क्लिक करके लास्ट के एरो की करेंगे तो लास्ट निकल जाएगा। डाउन के डाउन में अप करेंगे आप में तो नीचे आ जाएगा। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो आपका कर्सर उससे ठीक है ब्लैंक ना हो तो आप एक काम और कर सकते हैं कि कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज करें। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो। ओके, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड डाउन एरो, इससे आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सुनाया सर? बिल्कुल। अब बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शन की। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना होता है, कुछ कुछ पार्ट सिलेक्ट करना होता है। तो क्या करते हैं उसके लिए? कंट्रोल प्रेस करते हैं जी, पार्ट सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। मल्टी, बिल्कुल। लेकिन इसमें भी एक चीज आपको पता है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग और बाकी चीजों के लिए तो ठीक है, अगर आप कॉपी करने के लिए चाहते हैं तो आपको कॉपी नहीं करने देगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका कलर तो हो जाता है, सॉरी
मैं ऐसा कहता अगर नहीं कि जिस मल्टी सेल आपको सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी कर सकते, बट उसका भी एक रूल है। रूल क्या है, जैसे कि आपने सिलेक्ट किया ए सी ई, आप कॉपी कर सकते हो। अब मान लीजिए कि मुझे पांचवें नंबर में सिलेक्ट करना ए, तो आपको यहाँ ए भी करना होगा, सी भी करना होगा और ई भी करना होगा। मतलब जो ऊपर सिलेक्टेड है उतना ही नीचे भी सिलेक्शन होना चाहिए, किस चीज के लिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैंने इसको यहां सेलेक्ट कर दिया तो गड़बड़ है, तब ये कॉपी नहीं होने देगा। अच्छा, मैं कह रहा जैसे फॉर्मेट करना हो तो फॉर्मेट तो हो जाता है। हाँ, फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं, मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ। ओके, जैसे मैंने ए और सी को सिलेक्ट कर लिया और एफ जी एच को सिलेक्ट कर लिया, एक रो है, आप कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप दूसरे रो में अगर मान लीजिए कि ए से लेके सी तक सिलेक्ट कर लिया तो नहीं होगा कॉपी, क्योंकि आपको ई एफ जी भी सिलेक्ट करना पड़ेगा सेम रो में, तब आप कॉपी कर सकते हैं। उसी तरह से रो में अगर आपने ए से लेके फाइव सिलेक्ट किया है एक कॉलम में, ई कॉलम में भी आपने ए से फाइव सिलेक्ट किया है तो कॉपी होगा। अगर मान लीजिए बी कॉलम में आपने सिर्फ दो सिलेक्ट कर लिया तो कॉपी नहीं होगा, नहीं होगा। फिर आपको अच्छा, दोनों सेम को याद करना पड़ेगा, सेम रो सेम कॉलम होना चाहिए। जी, दूसरी चीज, अगर आप कॉपी करते हैं एक कॉलम में करते हैं, इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अलग अलग कॉपी हुआ है, लेकिन जब आप पेस्ट करेंगे तो कंज्यूमर की पेस्ट होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक। ये आपका मल्टी सेल कॉपी होता है, डाउट इसमें नहीं। अब आता है जब मल्टी सेल की बात हुई तो क्या मल्टी सीट भी होता है, तो चलिए मल्टी सीट, हमने एक सीट पे कई तरह से। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मैंने डेट डाला, यहाँ पे डेट का आज का डेट डाल दिया, अलग सर। अब मुझे इसको कॉपी करके हर सीट में पेस्ट करना है, तो एक एक करके पेस्ट करने के बजाय पहले सीट पे जाएं और शिफ्ट के साथ लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट कर, ऐसा करते ही ऊपर आपको ग्रुप आ ग्रुपिंग ग्रुपिंग। अब जो भी आप मूवमेंट करेंगे वो हर सीट पे होगा, सीट पे हो जाएगा। ओके, अब मान लीजिए आपको जो पता है कि मुझे डेट लिखना ही है, तो आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके फिर यहाँ टाइप भी कर सकते हो आप, तो जो भी टाइप यहाँ पे जो लिखेंगे वहां पे सब टाइप हो जाएगा। लेकिन सेम लोकेशन, जैसे ए फोर एंड बी फोर है ना, तो आपको सीट फोर में भी ए फोर, सीट फाइव में भी ए फाइव, ठीक है आपको। कार्बन कॉपी होगी एक तरीके से। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन इसमें भी अगर मान लीजिए कि आपको पूरे सीट पे नहीं, किस पर्टिकुलर चुनिंदा सीटों पे करना है, तो कंट्रोल प्रेस कीजिए और उस पर्टिकुलर सीट पे क्लिक करते चले जाइए। एक साथ कई सारे सीट को डिलीट करना है, मान लीजिए डिलीट करना है तो शिफ्ट के साथ मेरे सारा सीट को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले आप एक बार देख लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर सीट होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए शाम को 6 बजे मैं ये सीट पर आया, तो उन्होंने कल सुबह सुबह उन्होंने फोन किया मुझे, बोला कि सर आपने बताया था सीट डिलीट करने के लिए, तो एक साथ सीट डिलीट नहीं हो रहा है। उन्होंने क्या किया था कि पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया, अब वो डिलीट कर रहा है। तो क्या डिलीट होगा? नहीं। क्यों? रीजन? कौन सी शीट कह रहे हो आप? डिलीट शीट वन? नहीं, मैं पूरे को डिलीट किया, सिलेक्ट कर रखा हूँ ना। हाँ, डिलीट तो हो ही तो डिलीट तो हो ही जाएगा ये तो। जी नहीं, क्या लिख रहा है? विजिबल वर्कशीट, एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट, मतलब ये ग्रुप है इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है कि आप सारे सीट डिलीट कर रहे हो। क्यों? एक सीट तो होना चाहिए ना, बिना पेज का कोई किताब होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझिए। अच्छा, अब मैं इसमें अगर कोई एक ब्लैंक वर्कशीट लगा दूं तब ये डिलीट हो जाएंगी सारी? हाँ, जैसे आप मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया, सीट वन को छोड़ दिया है, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ये एक मिनट इसको मत करो, ये तो मैं समझ गया। आप एक नई वर्कशीट लगा दो। हाँ, लगा दिया मैंने नई वर्कशीट, मैंने कहा कि हाँ मूव भी कर दिया, बात वही है। कहने का मतलब है कि नया पुराना कोई भी सीट हो, एक सीट रहना चाहिए। ओके, ठीक, एटलीस्ट वन सीट रहना चाहिए, देन आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, हाँ। सेम आपका मल्टी सीट पे वर्क करता है, राइट सर?
तो आप जो है, एक तो हुआ कि आप एक पर्टिकुलर डेटा को कैसे सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे किस तरह का जो फॉर्मेट अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करेंगे। दूसरी चीज ये भी होती है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा हाइड होता है, हाइड हुआ ना सर, तो हमें कैसे पता लगेगा कि डेटा मेरा हाइड है। पहले चीज आप यहाँ पे सिक्वेंस अनब्रेक करके देख लीजिए, बिल्कुल। दूसरा आप उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि यहाँ छोटा डेटा है तब ना देख रहे हो ना, बहुत बड़ा डेटा होगा लाखों में होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना सर। बिल्कुल सही बात है। इसे क्लिक करके यहाँ काउंट देखिए, काउंट 22 आ रहा है जबकि 27 है। हाइड है, अच्छा हाइड वाला नहीं बताता काउंट, ओके ठीक है। या आप एक काम और कर सकते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए, अगर हाइड होगा तो अनहाइड हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पे आपका कुछ दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, आपके सिस्टम में होम, पेज डाउन और एंड दो बटन होते हैं। अब मैं अगर एंड प्रेस करता हूं, देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और एंड प्रेस किया, एंड ये जो 7 के ऊपर होता है एंड एम, जी हाँ एंड की होता है ना आपका एंड की, हाँ हाँ, तो एंड प्रेस करने से, अब एंड प्रेस हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, यहाँ नीचे देखिए एंड मोड हो गया, तो एंड प्रेस करने से आपका एंड मोड एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगा तो सबसे लास्ट में यहाँ कर्सर आ जाएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर मेरा लास्ट तो एल कॉलम है, बट वो भी क्यों दिया, दो सेल छोड़ के गया, वो भी नहीं, या तो एम पे जाता। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने याद है मैंने पहले ही इसमें 3A लिखा था। हाँ अच्छा, ओके, तो ये कहता है यूज सेल, जितना कॉलम आपने जितना रो आपने यूज किया है उतने को मैं पकड़ूंगा। ओके 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 ओके, समझिए ना, चाहे वो ब्लैंक है आपने उसको डिलीट ही कर दिया बट आपने यूज किया है ना। उसी तरीके से अगर मैंने एंड मोड ले लिया और एंटर के जगह पे मैं टैप करता हूं तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एंटर करूंगा तो लास्ट में पूछेगा। अगर मैंने एंड मोड एक्टिव कर दिया और डाउन की प्रेस किया, डाउन एरो की, तो कर्सर मेरा नीचे आ जाएगा। लेकिन इसमें भी एक है कि अगर आपने यहां पे यूज किया हुआ है, क्या हुआ ना सर, वहां तक जाएगा। अगर मैंने इसको एंड की प्रेस करके अगर डाउन किया तो नीचे आ रहा है, नीचे आता है सर, इससे भी एंटर पे जाता है आगे। तो आप एरो की का इस्तेमाल कर सकते हैं, एरो की का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ यूज तक जाता है। हाँ, इसमें अगर बीच में अगर ब्लैंक हो गया तब क्या होगा, तो आपका शिफ्ट के साथ जो आप कंट्रोल के साथ करते हैं वही आपका एंड एंड कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में मैं मान लीजिए कि कर्सर लेके पेज डाउन कर रहा हूं, तो एंड मोड एक्टिव करके पेज डाउन करूंगा तो भी वही आएगा, पेज ही होगा सर, पेज से ऊपर नीचे होता है, एक एक पेज, पेज अप पेज डाउन। हाँ, इसमें होम का ऑप्शन है, जैसे आपने होम पे क्लिक किया तो यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कर्सर रखे हुए हो होम पे किया तो सबसे पहले वाले कॉलम पे आ जाएगा, और यहाँ पे कर्सर आपने होम किया तो कुछ नहीं होगा सर, होम का मतलब है कि सबसे पहले वाले आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी सिलेक्शन मेथड थी जो कि मैंने आपको समझाया कि कैसे आप एक रेंज को, एक एरिया को, एक सीट को सिलेक्ट करते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन है इसमें, बाकी जो शॉर्टकट मैंने बताया हुआ है वो शॉर्टकट आप वहां जा, यहाँ शॉर्टकट लिस्ट जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में उससे आप देख सकते हो। एक और यहाँ नेम बॉक्स, जैसे मान लीजिए कि मुझे जाना है A10065 में, तो मैं यहाँ से 10065 में मैनुअल आऊंगा, उससे अच्छा हो कि मैं यहाँ पे टाइप कर दू A10000, अच्छा वहां पे डायरेक्ट चला जाएगा, तो डायरेक्ट कर्सर चला जाएगा, वो लोकेशन वाला है। हाँ जी हाँ, जब जिस पर्टिकुलर सेल पे जाना चाहते हैं यहाँ से आप जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है सर। हाँ, जब डेटा ज्यादा होता है तो पड़ जाती है। हाँ, तो ये सबसे लास्ट में आपको पहुंचा देता है, ठीक है।
उसके अलावा जब भी आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ मेरे में तो मिनिमम मैक्सिमम भी है, बट आपके सिस्टम में होगा सम काउंट और एवरेज। इस पर राइट क्लिक करके जो चीज लाना चाहते हो ला सकते हो, हटाना चाहते हो हटा सकते हो, हटा सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ इसको बोलते हैं शॉर्ट व्यू, डेटा जो सिलेक्ट करेंगे उसका शॉर्ट व्यू आपको दिख जाता है। जूम वगैरह तो आपको पता ही है कि यहाँ से हम जूम वगैरह कर सकते हैं, राइट? हाँ जी। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे फाइल मेनू बार से, कल हम फाइल मेनू बार को खत्म करेंगे, ठीक है? ठीक ठीक है। और तब तक आप इसकी अपनी सिलेक्शन के प्रैक्टिस कर लीजिए, सिलेक्शन में और भी कुछ दिक्कत लग रहा होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर तो है आपके पास। बिल्कुल, तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है? ओके ओके, बाय बाय।